वेलकम एवरीबडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि CICDU दैट इज़ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसकी बीटेक की डिटेल्स और कट ऑफ क्या रहने वाली 2023 में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर तक जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का होता था, तो जो टोटल था वो 700 मार्क्स में था, लेकिन इस टाइम वो केवल 250 मार्क्स का है। तो कट ऑफ भी चेंज हुई हैं और कई सारी डिटेल्स भी थोड़ी सी चेंज हुई हैं CICDU से रिलेटेड। सो एवरीथिंग आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, सारी डिटेल्स, प्रोज कॉन्स क्या क्या हैं, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए CICDU एज अ कॉलेज। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है CICDU की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स और जनरल टेस्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए CUET का फॉर्म भरते वक्त। और CUET का फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के पास डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो CICDU के लिए जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है वो पहली है कि आपके पास मैथ्स और जनरल टेस्ट होना चाहिए, और दूसरी एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन थे उसमें, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगाली और भी बहुत सारे, अरेबिक वगैरह भी ऑप्शन थे। तो कोई भी एक इनमें से एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। जो दूसरी एलिजिबिलिटी है जो कि आपको काउंसलिंग के वक्त भरनी पड़ेगी, वो है कि आपके 45% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए PCM में एग्रीगेट, मतलब इन सभी को ऐड करने के बाद आपका 45% बनना चाहिए। और सिमिलरली 40% होना चाहिए OBC, SC और ST स्टूडेंट्स के लिए इन PCM ओनली। और मैथ्स में स्पेशली आपके इसमें 45 प्लस होना चाहिए, यहाँ पे 40 प्लस होना चाहिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनको नहीं प्रोड्यूस करना पड़ता। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और फीस जो है आपको यहाँ पे 12,000 होगा, इट विल नॉट बी 32,000, फीस विल बी 12,000 रुपीज़ ओनली। और ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और तभी आपको एडमिशन मिलेगा CICDU में। और नेक्स्ट ईयर से आपकी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ पर ईयर हो जाएगी। तो ये 1 ईयर की फीस है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है 6,000 रुपीज़ सबमिट करने का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो इधर यू कैन सबमिट 6,000 और 12,000, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट टू पे। एक सेमेस्टर की फीस 6,000 है और फिर अगले सेमेस्टर से वो फीस 5,000 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का नाम है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कोर्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय मेनी इंस्टीट्यूट्स जो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग फील्ड में है। तो अगर आपको डेटा साइंस वगैरह फील्ड में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग, AI वगैरह में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल सपोर्ट मिल जाएगा। सो इन सब कोर्सेज में क्या होता है, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जनरली क्या होता है, बीटेक में 3-4 सेमेस्टर तक की मैथ रहती है और बहुत ही नॉर्मल मैथमेटिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगी स्पेशली इन स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी फील्ड, क्योंकि वो डेटा साइंस बहुत काम आता है। तो यहाँ पे बीटेक IT और मैथमेटिकल इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन सब फील्ड्स में, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो ये मत सोचिए कि फील्ड बहुत अलग है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि 12,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फीस है और नेक्स्ट ईयर से जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ पर ईयर हो जाती है। एक्सट्रीमली चीप, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखेंगे तो 1.5-1.5 लाख रुपए फीस लगती है, लेकिन यहाँ पे केवल 10,000 रुपए है। तो आप बहुत लकी हैं अगर आपका एडमिशन होता है इसमें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CICDU नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इसकी जो डिग्री है वो टेक्निकल डिग्री, एज अ टेक्निकल डिग्री रिकोगनाइज़ की जाती है UGC के बारे में। तो अगर आप फर्दर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको एज अ टेक्निकल डिग्री आप देख सकते हैं। तो एंड इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू ऑल द इंजीनियरिंग डिग्रीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री। तो कोई डरने की बात नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में डाउट था कि क्या ये भी टेक्निकल डिग्री है इंजीनियरिंग की या नहीं है। तो यस, इट इज़ अ टेक्निकल डिग्री एंड इट इज़ वेरी मच रिकोगनाइज बाई ऑल द टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री। तो आइए बात कर लेते हैं जल्दी से प्रॉस क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं CIC के, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसके पास है कि इसकी जो फीस है दैट इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, 10,000 रुपीज़ पर ईयर इसकी फीस है। आप सेमेस्टर वाइज भी फीस दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में 6,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर एंड फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से 5,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ लाइब्रेरी चार्ज होता है। सेकेंड बिगेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई ऑनलाइन भी, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे उनके सीनियर्स ने GSOC क्रैक करके रखा है। GSOC स्टैंड्स फॉर गूगल समलर कोड एंड इट इज़ वेरी मच हाईली कॉम्पिटेटिव कोडिंग प्रोग्रामिंग इवेंट दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय गूगल एवरी ईयर। तो बहुत सारे आपके सीनियर्स GSOC क्लियर किए होंगे, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा एंड इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फॉर दोज हु वॉन्ट एक्सलेंट प्लेसमेंट इन टॉप फैंग कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एट्सेट्रा। तो थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज है वो है कि इट इज़ वेरी मच नियर टू IIT एंड IIIT दिल्ली, मीन्स दीज थ्री इंस्टीट्यूट्स IIT दिल्ली, IIIIT दिल्ली एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल दीज थ्री इंस्टीट्यूट्स आर इन द सेम
सेंटर ऑफ आवर कंट्री दैट इज़ दिल्ली। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, कोई भी आपको सेमिनार अटेंड करना है, रिसर्च इंटर्नशिप करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और बहुत पास है तो यू कैन अटेंड कॉलेज एज वेल एंड यू कैन डू योर रिसर्च इंटर्नशिप एज वेल। जो फोर्थ बिगेस्ट एडवांटेज है उसका दैट इज़ इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ कैंपस एंड इट इज़ नोन टू बी अ वेरी कॉम्पिटेटिव कल्चर। बहुत ज़्यादा स्टडी इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस। अब जान लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं CICDO के, क्या क्या इसकी खामियां हैं। तो सबसे बड़ा और बिगेस्ट डिसएडवांटेज जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लेते हैं वो है कि यहाँ पे इनके पास खुद का कोई हॉस्टल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्टल लाइक अदर DU जो कॉलेजेस हैं जैसे हंसराज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, दे हैव देयर ओन हॉस्टल्स, लेकिन DU के पास CICDO के पास अपना कोई भी हॉस्टल नहीं है। तो अगर बहुत कम स्टूडेंट्स, बहुत कम क्या, आप 1 or 2 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं हॉस्टल के लिए, वो भी उनको किसी दूसरे कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ता है DU के। फॉर एग्जांपल हंसराज या मिरांडा हाउस में आपको 1-2 सीट्स मिल जाती हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर एंड दैट इज़ गिवन ओनली टू द गर्ल्स कैंडिडेट ओनली। सो फॉर बॉयज़ यू हैव टू लिव इन PG एंड द PG चार्जेस इन दिल्ली आर 8,000 to 15,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द रूममेट्स, दिस इज़ पर मंथ ऑफ कोर्स। सो जो आप पैसे वहाँ पे बचा रहे थे फीस में वो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। जो सेकेंड डिसएडवांटेज है CIC का वो है इसके पास कोई भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट सेल नहीं है इसके पास, तो आपका जो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा नहीं है CICDO के पास। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत एक्सेलेंट हैं, और उसका रीज़न ये है कि इसके पास एकेडमिक एक्सेलेंस है, ऑफकोर्स बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स वगैरह हैं, तो आपको लगातार प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट्स के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो थर्ड बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इसके पास कोई भी खुद का प्लेग्राउंड या ऑडिटोरियम वगैरह नहीं है, और इसको दूसरे DU के कॉलेजेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इनफैक्ट CICDO जो है वो सेम बिल्डिंग में है जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है, तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके पास अपना कोई सेपरेट ग्राउंड या ऑडिटोरियम नहीं है। फोर्थ डिसएडवांटेज है कि CIC में बहुत ही कम स्टूडेंट्स है, तो अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में रहने की, आप कल्चर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे 3,000-5,000 लड़के हों, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खुद का क्राउड है, तो यू कैन डेफिनेटली इंटरेक्ट विद सम ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ अवर कंट्री, बट आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके क्लास में 100 लड़के 200 लड़के होंगे, यू विल हैव वेरी लेस। तो फॉर सम पीपल इट इज़ एडवांटेज, फॉर सम इट इज़ डिसएडवांटेज, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ हम देख लेते हैं बीटेक CSE का क्या कट ऑफ रहने वाला है 2023 का। ध्यान रखिएगा इस बार 650 मार्क्स का है, लास्ट ईयर इट वॉज 650 मार्क्स ओनली, सॉरी 700 मार्क्स ओनली, एंड दिस ईयर इट इज रिड्यूस बाई 50 मार्क्स, सो कट ऑफ इट डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 570 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं स्पेशली, तो आप एक अच्छा प्रोबेबिलिटी रखते हैं इसमें एडमिशन लेने का। और जो सेफ जोन हमने इस बार डिक्लेयर किया हुआ है दैट इज़ 585 मार्क्स, मतलब इतने मार्क्स हैं तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाना चाहिए, 99% चांसेस है। और लास्ट ईयर भी हमने जो प्रेडिक्शन किया था CICDO का दैट वाज एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, और इस साल भी हम कुछ उसी प्रकार प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस बार देखी हैं, स्पेशली इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, और EWS का कट ऑफ 540 रहने वाला है, OBC का 525, SC कैटेगरी स्टूडेंट्स का 450 मार्क्स, ST कैटेगरी स्टूडेंट्स का 410 मार्क्स, PWD स्टूडेंट्स का 275। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, लास्ट ईयर ये 215 मार्क्स था, इस बार 275 इसलिए क्योंकि इस बार PWD स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और PWD में केवल 5% रिजर्वेशन होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंज हियर, बट जनरली इट इज़ वेरी सेफ टू गेट मार्क्स बिटवीन 275 to 300। इससे बहुत कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि जो PWD स्टूडेंट्स उन्होंने कैसा स्कोर किया। सो दिस इज़ द जनरल कैटेगरी टू PWD कट ऑफ और बीटेक CSE ऑफ CICDO। नाउ फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, शुड यू कंसिडर CIC, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन, ओके, मीन्स अगर आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है या आपको कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे लैक्स ऑफ फीस लग रही है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बैकअप ऑप्शन, बट रिमेंबर इट इज़ अ गुड बैकअप ऑप्शन एंड नेवर एवर कंसिडर इट ग्रेटर देन एनी ऑफ द IIT, IIIT और NIT। ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो इट विल बी बेटर देन IITs एंड IIIT एंड IIT। नो इट इज़ नॉट, क्योंकि इट इज़ नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ मच मोर नोन फॉर इट्स आर्ट्स फैसिलिटी रदर देन इंजीनियरिंग।
सो यू शुड नेवर कंसिडर इट ग्रेटर देन एनी ऑफ द IIT, IIT और NIT। अगर आपको वहाँ पे मिल रहा है एडमिशन तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाइए। CICDU आपके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, बट इट इज़ नेवर एवर ग्रेटर देन दिस इंस्टीट्यूट्स। जो थर्ड है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट एंड अटेंडेंस। तो अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है, असाइनमेंट आप टाइमली सबमिट नहीं करते हैं, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस देयर। तो आपको ये याद रखना है कि आपको हसल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसलिए उन बच्चों के लिए नहीं है जो CIC इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, स्पेशली फॉर दोस वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC लाइक एग्जामिनेशंस, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड इन दिस कॉलेज यू विल गेट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस प्रॉब्लम्स। सो नेवर एवर कंसिडर दिस कॉलेज इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर वेरी मच हाई लेवल एग्जामिनेशन। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर गेट। सो जो गेट के कैंडिडेट हैं, दोस वांट टू डू मास्टर्स फ्रॉम IITs एंड IIITs, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिपरेशन लेवल है दैट इज़ वेरी गुड। एंड गेट में मेजोरिटी ऑफ जो सिलेबस पोर्शन है दैट इज बिंग कवर्ड इन CICDU। सो यू कैन कंसिडर इट वेरी गुड फॉर गेट IIT जैम लाइक एग्जामिनेशन, बट यू कैन नेवर कंसिडर इट फॉर एनी बिगर लेवल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक UPSC, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अलग ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जो फोर्थ डिसएडवांटेज या आप कह सकते हैं कौन है जिसके कारण आप ये कंसिडर करें या ना करें, दैट इज़ प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कोई इंटरनल सेल नहीं इनके पास, हालांकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैंने बताया, मेनी ऑफ योर सीनियर्स हैव ऑलरेडी क्लियर GSOC, दैट इज़ गूगल समर ऑफ कोड। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस इंस्टीट्यूट इफ यू हैव विल टू डू गुड कोडिंग। अगर आपको अच्छी कोडिंग करनी है, आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा सीनियर से, बट कोई इंटरनल प्लेसमेंट सेल नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CICDU। हमने आपको सब कुछ बता दिया है फ्रॉम जीरो टू हीरो, एंड इट इज़ ऑल अप टू यू नाउ कि आप कंसिडर करना चाहते हैं या नहीं। टेक डिसीजन्स वेरी वाइजली, एज ऑलरेडी टोल्ड, इट इज़ अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड वी विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट मोर BTech कॉलेज वीडियोज़ वेरी सून, एंड वी विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू इन एवरी ओपिनियन दैट वी आर गोइंग टू ऑफर। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इवन व्हेन यू फील लो यू कैन स्टिल गो, इवन व्हेन यू फील स्लो यू कैन स्टिल गो, इवन व्हेन देयर इज नो होप यू कैन स्टिल गो, आई नेवर आंसर द नो मैन, आई स्टिल गो, गो 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 गो